A very warm good morning to all of you. So how are you all? Let me know in the comment section. And yes, today I am your educator has brought to you one of the session for motivation. Yes, that is the motivational video. And the topic that we are going to look at is work together. But usse pehle aap mujhe batao comment section mein likh kar ki is it good to work together or we should work individually. Jab tak aap iska session, jab tak aap mujhe iska answer comment section mein likh kar batate ho, tab tak ke liye let me introduce you myself. My name is Kanchan Soni and I'm your educator for the subject social science. And YouTube par aap mujhse mil sakte ho live on Tuesday and Friday in the evening 7:30 PM. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके इस लिंक पे क्लिक करो और उससे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में, ठीक है? तो बस, और फिर यू विल बी द पार्ट ऑफ टेलीग्राम चैनल एज वेल, जहां पर आपको सारी की सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके फेवरेट एजुकेटर्स के रिगार्डिंग मिलती रहती हैं. अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करो बिकॉज इट इज़ लाइक स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स का फेवरेट वाला एजुकेशनल ऐप, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है बहुत सारी अमेजिंग वाली चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. जैसे आपको मिलती है T20 टेस्ट सीरीज, क्विजेज आर देयर, मैराथन क्विजेज आर देयर, देन वी हैव लाइक प्रैक्टिस सेशन इज देयर, देन देयर इज लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्विजेज आर देयर, देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्विजेज आर देयर. सो अमेजिंगली क्विजेज आर देयर जिनको कि आप आराम से प्ले करते हुए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझ भी सकते हो. और एक और चीज़ बताऊँ, आप सिर्फ टेस्ट को ले ही नहीं सकते, आई मीन टू से खुद केवल और एजुकेटर्स की तरफ से टेक ही नहीं कर सकते. लाइक यू कैन, यू जस्ट नॉट ओनली टेक द टेस्ट बट रादर यू कैन ऑर्गेनाइज देम ऑल्सो. आप खुद भी उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके एक ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो. यस, और ये जो सारे फ्री एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ क्विजेज एंड स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस, इनको अनलॉक करने के लिए काइंडली यूज माय कोड दैट इज KAN10 Kanchan. यस, KAN10 Kanchan को यूज़ करो और सारे के सारे जो फ्री क्लासेस हैं, फ्री क्विजेज हैं हर एजुकेटर की, उसको आप आराम से जा करके एक्सेस कर सकते हो. इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो अपनी प्लस क्लासेस भी लॉन्च कर चुके हैं, तो आप भी जाओ जल्दी से और देखो आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है. यस, क्योंकि अभी लास्ट मंथ्स चल रहे हैं फॉर योर क्लासेस, फॉर योर करंट क्लासेस, और इसके बाद आप अपनी नेक्स्ट क्लास में जाओगे, इजंट इट? तो बस इन्हीं का ही, अगर आपने पूरे साल भी पढ़ाई नहीं किया है तो वी आर हैविंग रिविजन एंड फोकस बैचेस एक्सक्लूसिवली फॉर यू पीपल एंड एट अ वेरी मियर अमाउंट. बहुत ही स्मॉल से अमाउंट में आपको घर बैठे एकदम सेफ्टी के साथ पढ़ाई मिलती है. एंड या सो या दिस इज द थिंग. और जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, बेसिकली प्लस क्लासेस जो होती हैं, दीज आर लाइव क्लासेस जिसमें आपको वीकली क्विजेस मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती हैं एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं. एंड येस, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ योर सब्सक्रिप्शन यू आर गोइंग टू हैव अनलिमिटेड एक्सेस फॉर टू द क्लासेज. एंड येस, जो आपका बैच बनता है वो इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स के साथ बनता है. तो बताओ, घर बैठे आपको इतना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो बताओ ये कहीं और मिलता है क्या? यस, इसके बाद वी हैव लाइक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अगर आप चाहते हो कि आपको कोई पर्सनल मेंटोर में चाहिए फॉर गाइडिंग, फॉर टेलिंग, फॉर गिविंग यू स्टडी प्लानर एंड ऑल, तो काइंडली गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. और इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए भी आप मेरा कोड आराम से यूज कर सकते हो, दैट इज KAN10 Kanchan. यस, इसमें आपको सारे प्लस के बेनिफिट्स हैं और इसी के साथ बहुत सारे डाउट सेशंस एंड पर्सनल मेंटोर्स भी आपको मिल रहे हैं, और वो आपके पेरेंट्स के साथ भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और इसी के साथ पेरेंट्स को भी अगर कोई कंसर्न है तो वो उस मेंटोर के साथ डील कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. एंड सो यस, प्लस में अगर चार बेनिफिट्स हैं तो आइकॉनिक में आपको 8 बेनिफिट्स मिलते हैं. तो यस, आज हमारे पास जो सेशन है इट इज़ रिगार्डिंग वर्क टुगेदर. वर्क टुगेदर, आपने कभी किसी चींटी को देखा है? वो हमेशा एकदम एक लाइन में चलते हैं, वो सारी की सारी चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं और धीरे 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 करके वो बस आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं. सोच के देखो, अगर कभी चींटी को एक, उसके चींटी के लिए तो एक छोटा सा दाना भी कितना बड़ा सा फील होता होगा, इजंट इट? तो अपने उस छोटे से दाने को अगर वो खुद खींचने की कोशिश करे, अपने बिल तक ले जाने की कोशिश करे, क्या वो फटाफट से कर सकती है, जल्दी से कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, इजंट इट? क्यों? क्योंकि उसको उस बड़े से दाने को खींचने के लिए उसे अपने से साथ वाले जो लोग हैं उनके साथ की ज़रूरत है, उसके सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी वो उसे अच्छे से ड्रैग कर सकती है और अपने बिल तक लेके जा सकती है.
है ना, चींटी से कहीं ना कहीं हमें साथ काम करने की सीख मिलती है, इजंट इट। और इसी के साथ अगर मैं हमारी डेली लाइफ की तरफ ही देखूं, कभी सोचो कि ना कभी घर पर मम्मी बोल दे कि मम्मी बोले नहीं, मतलब मम्मिया शी इज़ लाइक वो आपके लिए ब्रेकफास्ट 10 बजे बनाए है ना, और आपके लिए लंच वो शाम को 5 बजे बनाए, और डिनर के लिए मना कर दें कि भाई डिनर तो मैं बना ही नहीं रही है ना। कभी पापा बोलें कि नहीं अभी तो मैं लाइक आई एम नॉट स्पेंडिंग माय अर्निंग टू यू ऑन यू, रादर आई एम गोइंग फॉर अ ट्रिप, मैं ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और मुझे घर के लिए कुछ भी नहीं करना, राइट आप मना कर दो कि हमें तो नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ खेलना है कूदना है एंड ऑल। तो आप सोच सकते हो ऐसी फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, ऐसे घर में किस तरीके से एक शांति बनी रह सकती है? आपको ऐसा आपको लगता है कि ऐसे घर में शांति बनी रह सकती है कभी? नहीं बनी रह सकती, क्योंकि एक घर भी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है, एक यूनिट की तरह होता है, ठीक है, जिसमें हर एक इंडिविजुअल को जो कि हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको अपना रोल अच्छे से प्ले करने की ज़रूरत होती है, इजंट इट। इसी चीज़ को अगर हम क्लास में अप्लाई करें, अगर हम क्लास में पढ़ते हैं, अगर मान के चलो कि जैसे टीचर हैं वो कभी अपना टॉपिक प्रिपेयर करके नहीं आए है ना, और बस ऐसे ही क्लास में आ जाए, तो क्या वो अच्छा पढ़ा पाएंगे? या उस दिन आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा, क्योंकि टीचर तो प्रिपेयर करके आए नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। तो आपको क्या लगेगा कि भाई आज तो हमारा टाइम वेस्ट ही हो गया, सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, मैम ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, कुछ भी नहीं कराया यार, टाइम वेस्ट होता है ना। इसी के साथ आप सोचो कि आप तो क्लास में पढ़ रहे हो है ना, लेकिन आपका कोई एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, लाइक बैक बेंचर्स हैं, 2-3 बैक बेंचर्स हैं, वो बहुत मस्तियाँ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लंच खा रहे हैं इंटरवल से पहले है ना, तो अब वहाँ पर लाइक क्या हमारी क्लास एक शांति के साथ पढ़ाई कर पाएगी वहाँ पे? नहीं कर पाएगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। और अगर इसी सिनेरियो में टीचर बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर करके आए टॉपिक, आपकी पूरी क्लास डिसिप्लिन में हो, बीच में फन भी हो रहा है, बीच में एक हंसी मजाक भी चलता है, क्योंकि कंटिन्यूसली पढ़ाई भी नहीं हो पाती, दिमाग में कुछ नहीं जाता, दैट्स फॉर श्योर, तो टीचर उस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं, आप लोग भी एक डेकोरम मेंटेन करके क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, तो अब इस क्लास का माहौल सोचो, ऐसी क्लास का माहौल कैसा होगा, कितना अच्छा होगा, आपको भी लगेगा कि यार एक घंटे मैम ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया, बड़ा मज़ा आ गया, कुछ नया सीखे आज हम, कुछ नया सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा है ना। तो ये फीलिंग कब आई, जब हमने साथ में मिलकर काम किया, जब हमने साथ मिलकर काम किया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई हमने लाइक वी हैव डन समथिंग गुड, वी हैव अचीव समथिंग गुड, इजंट इट। अगर हम इसी को स्पोर्ट्स में देखें, जैसे बास्केटबॉल में देखो, बास्केटबॉल में सिर्फ एक पर्सन बास्केट नहीं करता, उस एक पर्सन के बास्केट को करने के लिए उसकी पूरी टीम रहती है ना, टीम का बास्केट माना जाता है ना। अगर जैसे यहाँ पर ही देखो, जो उसका जो टीम मेंबर है, जो एक वाइट कलर की टीम दिख रही है और रेड कलर की टीम दिख रही है, रेड कलर की टीम अपना बास्केट करने के लिए जा रही है ना, और उसी जगह पे जो अगर उसमें वाइट वाली जो आप देख रहे हो वो रेड वाले को रोक रही है, दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स बास्केट करने के लिए रहती है कि भाई ब्लॉक कर देना एंड ऑल, तो उसको ब्लॉक कर रहे हुए है ताकि जो उसकी वाइट मेंबर वाली जो है वो आगे जा करके रेड से बॉल खींच के और खुद अपने बास्केट में खुद बास्केट कर सके। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है ना, वो एक लड़की जो बास्केट करने के लिए जा रही है उसके पीछे टीम लगी रहती है उसको क्लियरेंस देने के लिए, उसको उसका पाथ क्लियर करने के लिए, तभी वो लड़की आगे जा करके बास्केट कर पाएगी, लड़की या प्लेयर आगे जा करके बास्केट तभी कर पाती है। जैसे आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी दोनों टीम्स एकदम इक्वली साथ में है, जैसे वहाँ पे दो ब्लैक के प्लेयर्स हैं तो यहाँ पे दो वाइट के प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर जो बास्केट करने जा रहा है उसका फोकस कहाँ है, मुझे बास्केट करना है, तो उसकी टीम उसका ध्यान रख रही है कि ये बास्केट कर पाए है ना, और एट द एंड जो वो बास्केट होगा वो किसके लिए आ जाएगा, वो किसके हिस्से में आ जाएगा, वो पर्टिकुलर टीम के ही हिस्से में आएगा। तो अब हम इस स्पोर्ट्स से सीख सकते हैं, हम इस स्पोर्ट्स से कहीं ना कहीं सीख सकते हैं कि जो हमारे पास, जब तक हम साथ मिलकर काम नहीं करते ना, तब तक हम स्मूथ फंक्शनिंग करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नो डाउट आप अकेले रह के करो कि भाई मैं तो अपनी मर्जी से खाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा एंड ऑल, तब वो लाइफ आपकी डिसिप्लिन और प्रॉपर तरीके से नहीं आगे बढ़ पाती है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी ले लो, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो, जैसे आप सामने कुछ बिजनेस ऑफिशियल्स देख रहे हो, दीज ऑल पीपल आर वर्किंग टुगेदर, सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट माइंड सेट है, सबका अपना अपना नॉलेज है, सबका अपना अपना एक्सपर्टीज है, जब ये सब लोग मिलकर आते हैं ना, तब एक बहुत सुंदर सी चीज सामने आती है।
इजंट इट। और इंडिविजुअली आप करना चाहो कर लो, बट आप फिर हर तरफ अच्छे से प्रॉपर नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास बिजनेस में एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है और एक बिजनेस होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल इंसान होता है जो सामान बेचता भी है ना, बाहर से मार्केट से सामान लेकर भी आएगा जिसे वो आगे बेचना है, कस्टमर से भी डील करेगा है ना, उसके बाद उसको जो सामान लेकर आया उसको स्टोर भी करेगा, अपने सामान को एडवर्टाइज भी करेगा, तो सब काम करेगा। सोच के देखो वो अकेले थक नहीं जाएगा इतना सब करते करते। इसी के बदले हमारे पास एक दूसरा बिजनेस हाउस है, उसमें क्या है, एडवर्टाइजिंग के लिए एक अलग पर्सन है, टेक्निकल चीज़ों के लिए अलग पर्सन है ना, प्लानिंग के लिए अलग पर्सन है, फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग पर्सन है, ओनर कोई और ही है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, इजंट इट, क्योंकि यहाँ पर हर कोई इंसान जानता है मुझे क्या काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हमारी ये जो क्लासेज होती हैं, जैसे आप जो ये हमारी क्लास लेते हो, इसमें कितने लोगों का एफर्ट होता है ना, देर इज़ वन पर्सन जो कि हमें लाइव जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इफ देयर इज अनदर पर्सन जो कि ये पूरा जो इवेंट क्रिएट होता है, ठीक है, ये जो वीडियो को पूरा इवेंट को क्रिएशन करना होता है वो कोई और करता है, दैट इज सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन को जो हमें गाइड करता है कि हमें किस तरीके से लाइव जाना चाहिए, हमें किस तरीके से चीज़ों को आगे रखना चाहिए, राइट। उसके बाद फिर हमारा एफर्ट, हम लोग भी अपनी मेहनत करके यहाँ पर आते हैं है ना, इतना आप लोगों के सामने बोलते हैं, फिर पांचवे आप लोग हो गए। जब तक आपका इनपुट नहीं आएगा तब तक हम लोगों को भी मोटिवेशन नहीं आएगा कि हम अच्छे से अपना काम और अच्छे से कर सकें, इजंट इट। तो ये सब क्या हो रहा है, ये वर्क टुगेदर ही तो है, एक टीम ही तो बना रहे हैं हम लोग। एक पर्सन है जो मुझे गाइड कर रहा है, एक पर्सन मेरे इस इवेंट को स्मूथ बना रहा है, ठीक है, एक पर्सन मेरे लिए इसको एडवर्टाइज भी करता है। आप देखते होंगे कोई भी वीडियो आने वाला होता है उससे पहले आपको फ्लैश दिखना स्टार्ट हो जाता है कि दिस वीडियो विल कम एट दिस टाइम एंड ऑल। तो ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि किसी ने यहाँ पे एडवर्टाइज़ किया है, ठीक है, मैंने नहीं किया, यहाँ पे हमारी एक टीम का कोई मेंबर है उसने यहाँ पे एडवर्टाइज़ किया। तो अब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तब जाकर के एक क्लास लाइव आ पाती है। तो सोचो कि यहाँ पे वर्क टुगेदर का कितना इंपॉर्टेंस है। अब यहीं पे सोचो कोई एक इंसान कोई एडवर्टाइज़ नहीं करे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा तो आप देखोगे नहीं तो मैं तो लाइव आ गई बट कोई है ही नहीं तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी, इजंट इट। अगर कभी किसी ने कोई इवेंट क्रिएट ही नहीं किया तो ये चीज़ आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो मतलब हर कोई इंसान एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंकअप होता है, ठीक है। और इसी में आप एक और चीज़ देखो, जब हम साथ मिलके काम करते हैं ना तो हम कॉपरेशन सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, और हमारे अंदर एक एडजस्टमेंट की फीलिंग भी आती है, हम एडजस्ट करके चलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। मैंने आपको कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन सर का वीडियो बताया था जिसमें मैंने बताया था कि हाउ मच फ्लेक्सिबल ही इजंट इट, एज पर द जनरेशन ही हैड मोल्ड हिमसेल्फ, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी रही कि वो अपने आप को हर जनरेशन के साथ मोल्ड करते गए और करते करते आज टुडे ही इज अ लाइक बिग स्टार, टुडे इज अ बिग स्टार। आप खुद देखो उनके टाइम के जो भी पर्सन थे क्या वो आज भी उतने फेमस हैं जितने अमिताभ बच्चन सर हैं, यू विल गेट योर आंसर। हाँ, बाकी सब लोग अभी भी उतना काम नहीं कर रहे जितना सर करते हैं, इजंट इट। तो ये किस वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हर जनरेशन के साथ ग्रो किया है, अपने आप को हर जनरेशन के साथ अकोमोडेट किया, अपने आप को हर जनरेशन के साथ मोल्ड किया, मॉडिफाई किया, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। और ये साथ में रहने का ही फीलिंग था, ये साथ में रहने की ही वजह से था, साथ में रह पाए तभी हम एक दूसरे को देखते हुए एडजस्ट किए, सीखे, लर्न किया, ग्रो किया, कोऑर्डिनेट किया, कॉपरेट किया, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज वो इतने अच्छे लेवल पे हैं, आज भी लाइक एवरीवन लाइक्स हिम, इजंट इट। तो या दीज आर द थिंग्स। तो बस एक लास्ट में मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगी कि इंडिविजुअली हम एक केवल बूंद होते हैं, सिर्फ एक बूंद, ओनली वन ड्रॉप, लेकिन टुगेदर इफ वी आर टुगेदर देन ओनली वी मेक अ ओशियन, ठीक है। एक सिंगल इंसान तो सिंगल इंसान ही होता है, लेकिन जब सब लोग साथ आ जाते हैं ना और उसमें गवर्नमेंट होती है, देन देर इज नेशन, तब वो नेशन बनता है, राइट। तो इसी वजह से आई वुड रियली सजेस्ट यू टू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, टीम्स में काम करना स्टार्ट करो है ना, और अपने रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। अगर आप घर पे रह रहे हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना और बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, मम्मा की हेल्प करना, पापा की हेल्प करना, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रोल, ताकि आप लाइफ में आगे जाकर के और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अच्छे अच्छे वाले रोल प्ले कर सको, ठीक है। सो यस, दिस इज अबाउट वर्किंग टुगेदर एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।
आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड समथिंग एंड ये आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगा अपने अंदर एक नई चेंजेस लाने में, एक नई पर्सनैलिटी को डेवलप करने में. सो या थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अनअकैडमी क्लास 7 एंड अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करो. टेलीग्राम चैनल पर भी आ जाओ एंड माई रेफरल कोड इज KAN10 जिसको कि आप यूज कर सकते हो फॉर एक्सेसिंग ऑल द फ्री प्रोडक्ट्स ऑन अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन. जो किसी भी एजुकेटर की लाइव क्लास हो या किसी भी एजुकेटर की क्विजेज हो आप आराम से मेरा कोड यूज कर सकते हो. एंड प्लस आइकॉनिक एंड क्रिएटिव कॉर्नर के जो सब्सक्रिप्शन हैं उसमें भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज KAN10 एंड यू विल बी गिवन द डिस्काउंट. ओके सो या दिस इज फॉर टुडे सेशन एंड विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड या सो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कितना अच्छा लगा आज का सेशन. ओके सो बाय, टेक केयर. Thank you.